तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। पीसीआर की खोज सन 1985 में कैरी मुलिस ने की थी। तो दोस्तों इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सन 1985 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए कॉपी तैयार करने की कार्यविधि पीसीआर करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिक द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर विधि द्वारा बहुत ही कम समय में अनेक प्रतिलिपियाँ तैयार की जा सकती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिक द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर विधि द्वारा बहुत ही कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। अब दोस्तों आगे है, पीसीआर की मशीन का नाम थर्मासाइक्लर है। तो दोस्तों इसके मशीन का क्या नाम होता है? पीसीआर की मशीन का नाम थर्मासाइक्लर है। तो दोस्तों पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया करने के लिए इसके आवश्यक उपकरण क्या होते हैं? नंबर एक है डीएनए टेम्पलेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा प्राइमर और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।